तो सीधे लिए चलते आपको पटना में शहीद स्मारक, जहां डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पहुंच गए हैं वहां पर और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो शहीद दिवस पर आज शहीद स्मारक में राष्ट्रीय समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें राजद जेडीयू के कई नेता वहां पर मौजूद हैं। सीएम नीतीश कुमार सहित तमाम नेता माल्यार्पण और तेजस्वी आपको दिखा रहे कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी वहां पर मौजूद है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं शहीद स्मारक की, जहां पर राजद जेडीयू के कई नेता मौजूद हैं। और आपको तस्वीरें दिखा रहे पटना के शहीद स्मारक की, जहां राष्ट्रीय समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें राजद जेडीयू के कई नेता मौजूद हैं। सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद हैं। राजद के साथ साथ जेडीयू के कई नेता भी वहां पर मौजूद हैं। और आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि वहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बहुत ही खूबसूरत गीतों के साथ वहां पर कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पटना के शहीद स्मारक की, जहां पर आपको बता दें शहीद दिवस पर शहीद स्मारक में राष्ट्रीय समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और बहुत ही एक से एक खूबसूरत गीत प्रस्तुत किए जा रहे हैं वहां पर। तो आपको बता दें कि राजद जेडीयू के कई नेता इस समारोह में मौजूद हैं। सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद हैं। और आपको बता दें कि डिप्टी सीएम बनने के बाद तेजस्वी यादव पहली बार सरकारी कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे हैं। तो आपको बता दें 8वीं बार नीतीश कुमार ने सीएम पद की शपथ ली और दूसरी बार तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। उसके बाद अब आपको बता दें कि डिप्टी सीएम बनने के बाद तेजस्वी यादव पहली बार सरकारी कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे हैं और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं शहीद स्मारक की। Yeah.
हम कितने लैंग्वेज